मनाने की बात करें तो बीते सालों में तो हम लोग बेसिकली, हमें आज भी याद है जब हम स्टूडेंट्स थे तब उस टाइम पे लड्डू मिला करते थे रिपब्लिक डे के दिन, और ज़्यादातर लोग हम अपने स्कूल में या कॉलेजेस में सेलिब्रेट करते थे, या फिर जो DD1 पे जो नेशनल टेलीविजन पे जो झांकी दिखाई जाती है और सब चीज़ें होती है तो वो देख के सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे तो जो कलरफुल प्लेन्स उड़ते हैं आपकी छत के ऊपर से वो देख के बहुत मज़ा आता था बचपन से। मैं वही मतलब होता ना कि उन प्लेन्स का इंतजार करता था कि वो कब वो प्लेन्स उड़ेंगे और कब तिरंगा बनेगा और कब मतलब हम लोग जय हिंद बोलेंगे। एक्चुअली ये तो लकी है कि दिल्ली से हैं तो यहाँ इनने तो सब कुछ देखा हुआ है। आप गए हो जो जनपथ है वहाँ पे? नहीं मैं गया नहीं कभी, बट मैंने TV पे जरूर देखा है। हाँ यार मैंने भी टीवी पे देखा है एक्चुअली। मैं हम चाहूँगा अगर ऐसा मौका मिले तो जरूर वहाँ जाके देखना। मैं स्कूल में नहीं, एक्चुअली मैं एक इवेंट कर रहा था रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन का, तो उसमें मैं सुभाष चंद्र बोस बन के गया था। वाह। नहीं मुझे याद है कि वो भगत सिंह के गानों पे जरूर डांस मैंने किया है, बिकॉज 15 अगस्त एंड 26 जनवरी एक ऐसा थोड़ा पेट्रियोटिक थीम होता था उस टाइम पे, हम कुछ ऐसे ही डांस और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस किया करते थे। यार हर यहाँ पे है सोसाइटीज, हम बिकॉज आई सी इन अ सोसाइटी तो वहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं और ऊपर से क्या कहते हैं जितने भी सोसाइटी के बच्चे हैं या बड़े हैं सब लोग आके नीचे क्या कहते हैं वाइट कलर के कपड़े पहन के जनगण मन गाते हैं और फ्लैग होस्ट करते हैं। हाँ एक्चुअली, और वैसे भी ये दो दिन इतना लाइक एक फीलिंग होती है, मतलब हर कोई वो सुबह से जो सॉन्ग शुरू होते हैं मोटिवेशन वाले जितने सॉन्ग्स होते हैं तो आई थिंक देश के लिए जो प्यार जगता है ना तो दो दिन स्पेशली तो वो बहुत होता है। बट आई थिंक सब लोग जब देश की बात आती है तो सब लोग एक इमोशनल एक अलग फीलिंग होती है, बिकॉज आई थिंक जब नेशन है तो फिर सब एक साथ आ जाते हैं। Wishing all the fans of Desi Feet a very happy Republic Day from Kinshuk Mahajan and Akshay Kharuriya. Thank you so much. DC का थोड़ा बढ़ा दो जिसे। अरे अरे, ये क्या फॉर्मेलिटी कर रही हो? हमारे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम बहुत मॉडर्न। हम भी क्या नहीं, अहमदाबाद रहते हैं। हम भी बहुत मॉडर्न। तो तुम बाथरूम में पैर कर दो कोई बात। रुक जा, किस हक से मेरा पैर छू लिया? सुना नहीं इसने क्या कहा कृष्ण? मैं इसकी माँ नहीं हूँ। तो जिसको ये मॉम डैड कह रहा था ना उसके जाके